क्या पवन के बाद भोजपुरी का अगला सुपरस्टार कोई और नहीं रितेश पांडे होने वाले हैं? जी हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये चर्चा गरम है। गरम इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि रितेश पांडे जिस हिसाब से ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये सब कुछ उसी ओर दर्शाता है। आप पहले उनके पूर्वी बयरिया गाने को ही देख लीजिए। आप भले ही कहेंगे व्यूज तो थोड़े कम हैं, लेकिन कम हैं तो क्या हुआ, ओरिजिनल व्यूज है, ना ऐड लगाया गया है और ना ही कुछ। और ये गाना तकरीबन 4 हफ्तों तक, यानी कि लगभग 1 महीने तक ये गाना ट्रेंडिंग में बना रहा, जो कि एक इतिहास है कि अब तक भोजपुरी का कोई भी गाना इतने लंबे समय तक ट्रेंडिंग में नहीं बना रहा। और अब फिर से रितेश पांडे का एक और रॉकिंग अंदाज आप देख सकते हैं। जी हाँ, रितेश पांडे का गाना लवंडिया लंदन से लाएंगे 200 मिलियन पार हो चुका है, 220 मिलियन पार हो चुका है, उससे भी आगे जा चुका है। इस गाने को लेकर रितेश पांडे ने जिस तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, उसे देखने के बाद लोग रितेश के कायल हो गए। और अब रितेश का एक और बवाल गाना जो इन दिनों ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा है म्यूजिक के यूट्यूब पर, आपको बता दें वो गाना कोई और नहीं, आज जेल हुई कल बेल हुई परसों से उहे खेल हुई वाला ही सॉन्ग है। लोग इस गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अचानक से रितेश पांडे की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, साथ ही साथ जिस तरह से वो पवन सिंह को फॉलो करते हैं, उसके बाद लोग उनमें दूसरा पवन सिंह देखते हैं, क्योंकि रितेश की आवाज़ पवन से काफ़ी मिलती जुलती है और लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रितेश गा रहे हैं कि पवन गा रहे हैं। वैसे अपने एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने रितेश पांडे को सलाह दी थी कि अपनी आवाज़ में ही गाया करो, क्योंकि ये आगे चलकर तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। वैसे आपको बता दें कि काफ़ी फॉलो करते हैं रितेश पांडे पवन सिंह को, इसलिए उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं। रितेश पांडे की इस ग्लोरी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ रितेश पांडे के हेलो कौन गाने को सुनना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ये गाना अगर 800 मिलियन पहुंच चुका है, अगर 200 मिलियन इसमें और ऐड हो जाता है, तो भोजपुरी का रितेश पहले स्टार बन जाएंगे जिनका गाना 1 बिलियन सुना जाएगा। जी हाँ, और ये भोजपुरी के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तो चलिए एक मुहिम जो कि रितेश का गाना हेलो कौन सुनने की, भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।